नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो कि कुछ ज़्यादा ही डीप में मिल रही है दोस्तों, और दूसरे कुछ शेयर जो है जिनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, उनमें जो है ज़्यादा डीप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 12 कंपनी है कुछ ज़्यादा ही डीप में मिल रही है। 20-30% का जो है गिरावट इन कंपनियों में देखने को मिलेगा, तो आप इनमें जो है अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं यदि पहले से है तो यदि और यदि आपने जो है इनमें एंट्री नहीं ली है तो एंट्री भी ले सकते हैं। तो पहला जो शेयर है वो बर्जर पेंट, इनमें देखें कि जो गिरावट कितनी है इन स्टॉक में, वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं लेकर के चलता हूं बर्जर पेंट की गिरावट की तरफ। तो 17% की जो है इस स्टॉक के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ओल्ड टाइम की बात करें तो ओल्ड टाइम ये स्टॉक गया था करीब करीब 855 रुपये और फिलहाल जो है 714 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। आज की जो गिरावट है इस स्टॉक में वो है 4% के आसपास की। नेक्स्ट जो शेयर है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, आने वाले टाइम में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना करके दे सकता है। यदि गिरावट की बात करें तो 19% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और फिलहाल जो स्टॉक है 4625 रुपये के आसपास है, और गिरावट की बात करें तो 5753 रुपये से ये लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। यदि नेक्स्ट शेयर की बात करें तो अगला जो शेयर है वो है दीपक नाइट्राइट, केमिकल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक और मिड कैप। गिरावट की अगर बात करें तो गिरावट भी इसमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। गिरावट दिखा देता हूं मैं आपको, 19% की गिरावट जो है इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। यदि बात करें कितना गया था ऑल टाइम हाई, तो ये गया था 2925 रुपये के आसपास ऑल टाइम हाई, और फिलहाल जो है 2369 रुपये के आसपास जो है मिल रहा है, अच्छे खासे डीप में मिल रहा है। 19% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट शेयर की अगर बात करें तो अगला जो शेयर है वो है डी मार्ट, रिटेल सेक्टर का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर। यदि बात करें गिरावट की तो इस शेयर में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, 24% की गिरावट जो है डी मार्ट में देखने को मिलेगी। यदि बात करें ओल्ड टाइम तो ये स्टॉक जो है 5323 रुपये के आसपास गया था और फिलहाल जो है 4039 रुपये के प्राइस पे देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी जो है गिरावट इस स्टॉक में भी देखी जा रही है। अगला जो शेयर है वो बालाजी अमाइन, केमिकल सेक्टर का कंटिन्यूस कंपाउंडर स्टॉक, जिसमें आज के दिन 6% की गिरावट देखने को मिली है। यदि बात करें ऑल टाइम हाई से तो ऑल टाइम ये 4400-4700 रुपये के आसपास गया था, और यदि बात करें डीप तो डीप ये 36% गिरावट में देखने को मिलेगा, 1794 रुपये की गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है और 3180 रुपये के प्राइस पे फिलहाल जो है स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगला जो शेयर है वो है एफएल इंडिया, जो कि मोबाइल ऐप एडवर्टाइजमेंट में मार्केट लीडर कंपनी और 70% ऐप एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस जो है अकेली इस कंपनी के पास है। यदि गिरावट की बात करें तो गिरावट भी इस कंपनी में जो है देखने को मिले, तो मैं गिरावट दिखा देता हूं कि आपको कितने हैं। तो लगभग जो 16% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 237 रुपये का जो है डिस्काउंट इस स्टॉक में मिल रहा है। और आज के दिन की अगर बात करें तो आज जो है 10% की गिरावट देखी जा रही है इस स्टॉक में, 1249 रुपये के आसपास जो है इस स्टॉक मिल रहा है। यदि नेक्स्ट शेयर की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड, जो इनका फॉरेन में बिजनेस है, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा में भी इनका जो है बिजनेस है, आईटी कंपनी है। यदि बात करें गिरावट की तो अच्छी खासी गिरावट में ये स्टॉक जो है मिल रहा है, लगभग 20% के आसपास की गिरावट है और फिलहाल के प्राइस की बात करें तो 1187 रुपये पे और ऑल टाइम हाई जो है 1500 रुपये के आसपास ये स्टॉक गया था। नेक्स्ट जो शेयर है वो हिंदुस्तान फूड, क्लाइंट देखोगे इस कंपनी के तो ये जो कंपनी है रॉ मटेरियल बना के आगे सप्लाई करती है दूसरी बड़ी कंपनियों को, और वो अपने लेबल ब्रांड लेबल चिपका के वो आगे मार्केट में सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं। यदि बात करें गिरावट की तो इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। यदि बात करें गिरावट की तो दिखा देता हूँ, 14% की गिरावट हिंदुस्तान फूड में देखी जा रही है, फिलहाल जो है 1970 रुपये के प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है। यदि नेक्स्ट शेयर की बात करें तो अगला जो शेयर है वो है LTI लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक। यदि बात करें इस शेयर की, आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, इसमें जो कंपाउंडिंग देखोगे ज़बरदस्त कंपाउंडिंग के साथ जो है ये स्टॉक ग्रो कर रहा है, और यदि बात करें निफ्टी 50 का भी ये जो स्टॉक है वो हिस्सा है। गिरावट दिखा देता हूँ, गिरावट जो है इसमें 21% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है, 1596 रुपये का इस स्टॉक में जो है डिस्काउंट देखा जा रहा है। यदि बात करें ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई 7561 रुपये के आसपास गया था। नेक्स्ट शेयर की अगर बात करें तो अगला जो शेयर है वो है नौकरी इन्फो एज। यदि बात करें इसकी तो ये जो स्टॉक है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट जो है अच्छे नहीं आए थे, इसी वजह से जो है लगातार ये जो स्टॉक है गिरावट में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के मुकाबले में जो आने वाले कुछ टाइम में
अच्छा खासा इस कंपनी के में जो है इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। गिरावट की बात करें तो 35-36% की गिरावट इस स्टॉक में है और 2520 रुपये का जो है डिस्काउंट इस स्टॉक में है। फिलहाल का जो प्राइस है वो 4502 रुपये के आसपास देखा जा रहा है। यदि नेक्स्ट शेयर की बात करें तो अगला जो शेयर है वो है रोजारी बायोटेक। केमिकल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, लगातार प्रॉफिट ग्रोथ होते हुए मिलेंगे, लगातार जो है रिजर्व अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। कर्ज की बात करें तो कर्ज जो है देखने को नहीं मिलेगा इस कंपनी के ऊपर, एक भी रुपए का कर्ज नहीं। कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो हाई स्पीड की कंपाउंडिंग के साथ जो है ये स्टॉक ग्रो कर रहा है। यदि गिरावट की बात करें तो 1210 रुपये पे फिलहाल मिल रहा है और 23% की जो है गिरावट देखने को इस स्टॉक में जो है मिल रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में जो है अच्छा खासा ग्रो करेगा और आप जो है स्टॉक को उठा सकते हैं। केमिकल सेक्टर में यदि बेटर्स देना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स क्वांटिटी इस शेयर में भी उठा सकते हैं। बात करें हाई की तो 1571 रुपये जो है ऑल टाइम हाई ये स्टॉक गया था। नेक्स्ट शेयर की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ, अगला जो शेयर है वो है रूट मोबाइल। तो फंडामेंटल ये भी स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है। यदि बात करें गिरावट की तो इस स्टॉक में भी जो गिरावट देखी जा रही है वो 28-29% की गिरावट है। तो ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2300 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक गया था ऑल टाइम हाई, और फिलहाल जो है लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है और 1640 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो आप ये स्टॉक जो बाहर है सबसे ज़्यादा डीप में मिल रहे हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, और मेरे पास जो टॉप 50 जो कंपनी है उसमें से सबसे ज़्यादा गिरावट में जो स्टॉक है वो ये 12 स्टॉक है। तो आप इनमें क्वांटिटी यदि आपके पास है तो आप अपनी जो है एवरेज बढ़ा सकते हैं, और यदि बात करें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और जिसने जो है एंट्री नहीं ली है अभी तक और न्यू एंट्री लेना चाहते थे वो अभी सही टाइम है, आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।